I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. आप दुर्गा का ख्याल रखिए, मैं इनके पिताजी को खुशखबरी दे के आती हूँ। अच्छा जी, मुबारक हो दीना नाची, आप एक नहीं दो दो बच्चों के नाना बन गए। मैं नाना बन गया। बच्चों के पिता कहाँ हैं?
नाचते हुए देखता हूँ फिर भी तुझसे दिल नहीं भरता मेरा। अरे शोर कौन मचा रहा हुआ? उसके अंदर गुजरा है बूढ़ा। कौन बूढ़ा? मैं। पहचाना मुझे? अरे हम जवानों को दूसरी मुलाकात में भूल जाते हैं यार, तो जैसे बूढ़ों को कौन याद रखे। आउट। नहीं, आज मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी बेटी के साथ इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ? इंसाफ? अबे अकल के अंधे, अबे उल्लू के पट्टे, अगर मैं तुझ जैसे हर आदमी की बेटी के साथ इंसाफ करने लगता तो आज तक मैं 10,000 ससुरों का दामाद बन चुका होता। चलिए पिताजी, यहाँ हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। नहीं बेटी, धीरज रखो। विक्रम, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की और हम गरीब खामोश रहे, लेकिन अगर आज तुमने अपने इन मासूम बच्चों को इनका हक देने से इनकार किया तो ये जिंदगी भर समाज के माथे पर कलंक का टीका बनकर रहेंगे और मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। पहले अपनी हालत तो देख बुड्ढे, सूखे पत्ते की तरह फड़फड़ा रहा है तू। अगर मैंने तुझ पर एक हाथ रख दिया ना, कफन के गले पड़ जाएगा। अब बस भी करो विक्रम, बहुत हो चुका, बहुत बोल चुके। अगर मैंने बोलना बंद कर दिया ना तो मेरे जूते बोलेंगे। नहीं नहीं विक्रम, जरा ये तो सोचो इन बच्चों का क्या होगा। अरे हाँ, इनको तो मैं भूल ही गया था। इन हराम के पिल्लों को किसी यतीम खाने में डाल दो और रहा सवाल तुम्हारी बेटी का, शक्ल सूरत भी अच्छी है, किसी कोठे पे बिठा दो, बुढ़ापा बड़े आराम से गुजरेगा। विक्रम! पिताजी! दौलत और ताकत के नशे में मुझ कमजोर अबला को ठुकरा रहे हैं, इन मासूमों को अपनी औलाद मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, कल ऐसा वक्त आएगा कि वक्त की लाठी इन बच्चों के हाथों में होगी और ये आपसे अपना और अपनी माँ का बदला लेंगे और आप इसे रहम की भीख मांगेंगे। रहम की भीख मांगेंगे, भीख मांगेंगे, भीख मांगेंगे। नहीं, भीख मांगूंगा। माँ, ये कैसा इंसाफ है तेरा? तेरे ही सामने उन्होंने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया था और आज वो इनकार कर रहे हैं, अपनी औलाद को भी औलाद मानने से इनकार कर रहे हैं। अब तू ही बता माँ, इन मासूमों को लेकर मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बहन, दुख और सुख तो इंसान की जिंदगी में दिन और रात की तरह आते जाते ही रहते हैं, पर सच्ची बात तो ये है कि जो इंसान दुख सह नहीं सकता उसे सुख मांगने का भी कोई अधिकार नहीं। वो तो ठीक है भैया, लेकिन इन दुखी और बेसहारा औरत जिसका दुनिया में कोई ना हो, वो रोने के सिवा और कर ही क्या सकती है। दुनिया जब इंसान का एक सहारा छीन लेती है ना बहन, तो भगवान उसके लिए 20 सहारे और पैदा कर देते हैं। मैं कैसी देवी को जानता हूँ जो शहर में रहती है, जिसने अपनी सारी जिंदगी आप जैसी बेसहारा और दुखी औरतों की मदद करने में गुजार दी है। आप वहां जाइए, आपको सहारा जरूर मिल जाएगा। लेकिन मैं तो इस शहर में किसी को नहीं जानती भैया। आपने भाई कहा है तो भाई बहन के रिश्ते को निभाना ही होगा। चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूँ, चलिए ना। धंधा कमती है। नमस्ते।
नाइस किड, चार्मिंग लेडी। चलो चलो। आप यहाँ बैठिए, मैं घर की मालकिन साहब के बारे में बात करके अभी आता हूँ। चंपा भाई, आधा घंटा हो गया, और कितनी देर लगेगी? ताला सारे का सारा नशा उतरा जा रहा है। आधा वर्द है चंपा भाई, आधा वर्द है। आज ऐसा माल लेकर आए कि इनका नशा सारी जिंदगी नहीं उतरने वाला। अच्छा, जरा दिखाओ तो सही। झांक के देख लीजिए, तबीयत हरी ना हो जाए तो मेरा नाम जग्गी नहीं। अच्छा। अरे वाह, क्या माल है। माल तो ठीक है, लेकिन ये साथ में दो बच्चे। उसकी फिक्र मत कीजिए, बच्चों को मैं संभालता हूँ, माल को आप संभालिए। क्या ख्याल है? ख्याल तो नहीं है। हुजूर, उस कमरे में आप तशरीफ रखिए, माल अभी हाजिर होता है। और ये जरा माल से तो मिलाओ। ये आज आपके नहीं, मालकिन। अरे मालकिन क्या कहता है, ये तो मेरी बेटी है। मुझे काम क्या करना होगा? काम तो बड़ा आसान है, चलो अभी से शुरू कर दो। चलो। इसे रहने दीजिए, आप जाइए, मैं संभाल लूंगा। नहीं बच्चे, चलो चलो, घबराने की कोई बात नहीं, अपना ही घर है। ये हमारे नए मेहमान हैं, इनको ठीक से खुश रखना। हाँ जीजी क्या करती है, वरना खाल खींच लूंगी। अरे जाती कहाँ है, चल अंदर। आप अंदर से दरवाजा बंद कर लीजिए। बिल्लो, थोड़ी देर जरूर लगेगी, लेकिन लड़की मुट्ठी में आ जाएगी। उसका तो बाप भी आएगा। मैं गरीब इज्जतदार औरत हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे नौकरी दिलाने के बहाने धोखे से यहाँ लाया गया है। मैं आपके पांव पड़ती हूँ भैया। उठो बहन, घबराओ नहीं, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। हमें खबर मिली है कि यहाँ शरीफ घराने की गरीब लड़कियों को धोखे से लाया जाता है और उनसे मजबूरन ये काम करवाया जाता है। तुम फिक्र मत करो। जगी, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर, एक कदम भी आगे बढ़ा तो उस बच्चे को। नहीं 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 ना, तो फेंको पिस्तौल। इंस्पेक्टर फेंको पिस्तौल, नहीं तो बच्चे को मार डालूंगा। फेंको पिस्तौल। रुक जाओ जगी। नहीं भैया, गोली कहीं बच्चे को न लग जाए। ये बच्चा चाहिए तुम्हें? लंगड़ा बाजू हटाओ। नंगू भाई, उठो, बच्चे को संभालो, धंधा चालू करो, तुम्हारा कमीशन जास्ती होने का समझे तुम। फॉर एक्सक्लूसिव क्लासिक मूवीज डाउनलोड शिमारू मी ऐप नाउ।